हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2016 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये पैसेज दिए गए हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 41 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, मतलब सबसे लॉजिकल वे में कौन सी ऐसी लाइन बोली गई है इस पैसेज के ऊपर, पैसेज के को लेके। तो लॉन्चिंग मोर वेलफेयर स्कीम्स एंड एलोकेटिंग मोर फाइनेंसेस फॉर करंट स्कीम्स एंड आर अर्जेंटली नीडेड। अब इसमें पूरे पैसेज में वेलफेयर स्कीम्स वगैरह की तो बात नहीं की गई है, एलोकेटिंग मोर फाइनेंसेस एंड ऑल की, बजट एंड ऑल की कोई बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। एफर्ट शुड बी मेड टू पुश अप इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अदर मीन्स एंड प्रोवाइड लाइसेंसेस टू द पुअर। अब यहाँ पे ना लाइसेंसेस की बात की गई है ना ही अदर मीन्स की बात की गई है, जिससे ये इसमें दिया है अदर मीन्स, तो ये ऐसा ऊपर कोई अदर मीन्स का जिक्र भी नहीं है, ना ही इम्प्लॉय करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आर नीडेड एट प्रेजेंट। अब ये जैसे दिया है कि बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिशन को खत्म करके क्रोनी कैपिटलिज्म फ्री एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए घातक साबित होगा, है ना, घातक साबित है, यानी कि इट इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, सो एंड यहाँ पे दिया है कि हैव रिसीव्ड लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस एंड वेरियस लाइसेंसेस इन रिटर्न फॉर पे ऑफ टू वेनल पॉलिटिशियंस, जो भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियंस है उनको पे करके। तो क्यों पे करेंगे, बिकॉज दे आर इन गवर्नमेंट, राइट। सो ये है, मतलब नहीं रहेगा तो भी तो इज नाउ अ मेजर इशू टू बी टैकल्ड, एक मेजर इशू बन गया है इसे जो टैकल करना है। अब यहाँ पे जैसे लास्ट में दिया है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में है, जहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म ओलिगार्कीज क्रिएट करता है, ओलिगार्कीज इन द सेंस एक ग्रुप जो कि पूरा संभालता है सब कुछ, वही सब पैसे वैसे सब देखता है, रिच है ना, लॉ रूल बाय रिचेस, तो दैट स्लो डाउन द ग्रोथ, ग्रोथ को रोक देता है। यानी कि पूरे पैसेज को देख ले हम तो अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात की गई है, है ना, ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने की बात की गई है, ओके, एंड ओलिगार्की को खत्म करने की बात की गई है। इसमें से सब में यही दिखा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को रहना चाहिए, क्रिएट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस, ये यहाँ से अपना फर्स्ट लाइन में ही है, बाय किलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिशन, तो यानी कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन, एंड ये जो है कि अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को हार्मफुल है, फ्री एंटरप्राइज को हार्मफुल है, मतलब कोई दुकान वगैरह खड़े करने में एंड ऑल अपना बिजनेस में, सो ये यहाँ पे प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सही हो जाएगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये दिया है क्लाइमेट अडॉप्टेशन के बारे में, ये दिया है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है इसमें दी गई है, उसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, उसको ऑब्जर्व करके उसका मतलब निकालना है हमें, इन्फर करना है, ठीक है, लॉजिकली एंड रैशनली। तो क्लाइमेट अडॉप्शन, इट इज डिफिकल्ट टू परस्यू क्लाइमेट अडॉप्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे जैसे हम पूरा पढ़ लें तो आर नॉट डिजाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंटल कंसर्न्स, लेकिन पूरे पैसेज में डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज किसी की भी बात नहीं कही गई है, तो ए विल बी इनकरेक्ट। सो इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स इशू देन क्लाइमेट अडॉप्टेशन। अब इसमें फूड सिक्योरिटी की जो बात की गई है यहाँ पे कि फॉर इंस्टांस अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी दैट सीक्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मे इंक्लूड अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मेजर्स, तो यानी कि क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड करने में एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मेजर्स, मतलब क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए फूड सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटेड मेजर्स लिए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन करते हुए वो मेजर्स लिए जा सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि ये एक फूड सिक्योरिटी एक सब पार्ट है, मतलब एक फूड सिक्योरिटी को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट अडॉप्टेशन को चेक में रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये फार्मो कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, बिकॉज इट्स ओनली वन सेट, तो बी इनकरेक्ट होगा। फिर एवरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू क्लाइमेट अडॉप्टेशन। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये जो दिया है क्लाइमेट अडॉप्टेशन के बारे में वो ये दिया है कि मे बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव पॉलिसीज नॉट डिजाइन्ड, तो डेवलपमेंटल कंसर्न्स को भी हमें ध्यान रखना है और क्लाइमेट अडॉप्शन को भी ध्यान रखना है, ठीक, सो ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी वाले में दिया है क्लाइमेट अडॉप्टेशन शुड बी एग्जामिन्ड इन टैंडम विद अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन। अब पहले वाला यदि देख ले, क्लाइमेट अडॉप्टेशन मे बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव इफ पॉलिसीज आर नॉट डिजाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर डेवलपमेंटल कंसर्न्स, फिर लास्ट वाले में भी सम ऑफ दीज मेजर्स मे हैव टू डू विद क्लाइमेट चेंजेस एंड अदर्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही दोनों लाइन्स हैं, मेनली ये वाली जो लास्ट लाइन है वही बताती है कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिया है
कि मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस कौन सा है, मतलब दो चार इन्फरेंस निकल के सामने आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, लेकिन उनमें से सबसे क्रिटिकल, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? तो बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्स द एबिलिटी ऑफ नेचर टू रिसाइकल वाटर। अब पूरे इसमें पढ़ लें तो पहले वाले में दिया है बायोडाइवर्सिटी इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल इन द सेंस वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर रिसाइकल होगा, तभी तो साइकिल क्यों बनता है कि कोई पानी खराब होगा तो उसको हम वापस से फ्रेश करेंगे, है ना, कुछ पानी फ्रेश रहेगा उसको वापस खराब होते हैं। सपोज पानी यहाँ से माउंटेन से निकलता है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, इट इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, क्लीनिंग एंड ऑल, तो उसको हम वापस से यूज करने के लिए रिसाइकल करेंगे। नहीं भी करते हैं एक्टिवली एंथ्रोपोजेनिक रीजन से, मतलब हम खुद नहीं करते हैं तो नेचर करती है, कैसे, बाय इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन वगैरह। मतलब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ही पार्ट है, मतलब ये जीएस की नॉलेज नहीं लगा रहा हूँ, ये इसी में दिया है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, ये समझाने के लिए बोला ऐसे। तो यानी कि, और ये जो दिया है, इन रियलिटी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिसाइड हाउ बायोडाइवर्सिटी फंक्शन, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, जो पानी का साइकिल है कि कैसे वो रीयूज होगा, रिसाइकल होगा, नहीं होगा, है ना, वो कैसे आएगा, वो डिसाइड करता है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे फंक्शन करती है। ओके, फिर ये दिया है कि पासिंग थ्रू दीज इकोसिस्टम इट इज क्लींस एंड मेड फिट फॉर कंजप्शन। तो यानी कि इकोसिस्टम को मतलब जाते हुए ऐसे, जैसे ये सेकंड लास्ट लाइन में, थर्ड लास्ट लाइन में दिया है कि ये फिशेस, ट्रीज, बैक्टीरिया, सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिज्म से होके आया है, ठीक है, तो यानी कि वो फिट किया गया है कंजम्पशन पर्पज के लिए, एंड दैट इज वाई सप्लाई ऑफ वाटर इज क्रिटिकल सर्विस दैट द एनवायरमेंट प्रोवाइड्स। तो यानी कि दोनों इंटरलिंक्ड है। तो यही है कि बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्स द एबिलिटी ऑफ नेचर टू रिसाइकल वाटर। तो यानी कि ये सही हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है ना, फिशेस, ट्री, बैक्टीरिया, सॉइल, अदर ऑर्गेनिजम्स, वही पार्ट हो गया है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, हमें दूसरे ऑप्शन के देखने की जरूरत नहीं है। फिर पैसेज फोर, अब इसमें दिया है कि इसमें से कौन सा एसेंशियली इम्प्लॉयड है, मतलब एक हम ऊपर ऊपर से नहीं देख रहे हैं, मतलब मेन जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर क्या है। तो नीड फॉर मोर ऑटोमेशन एंड मोर प्रोडक्ट्स पूरे इसमें नहीं दिया है। नीड फॉर रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर इंटरनल इंटायर फाइनेंस सिस्टम, तो रीस्ट्रक्चरिंग की मतलब उतनी बात की नहीं गई है यहाँ पे, जैसे दिया है कि रीस्ट्रक्चर्ड हुआ है हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन से, तो मेनली सर्व मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। सो नीड टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अब यहाँ पे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दिया है, दैट डज नॉट इंक्लूड कॉमन मैन। ओके, तो मतलब सिर्फ इंटीग्रेट करके कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज इफ यू जस्ट इंटीग्रेट दैट विल ओनली मेन दैट विल मेनली सर्व मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सोसाइटी, ठीक है, दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ दिस पैसेज लाइन्स, सो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको यदि ये लिखता कि नीड टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल, है ना, या फिर फॉर इवन द कॉमन मैन, तो ये सही होता, पर ऐसा है नहीं। अब लास्ट वाले में दिया है नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यही तो है कि सपोज मिडिल एंड अपर क्लास को तो कर रहा है कैटर, ठीक है, लेकिन कॉमन मैन को नहीं कर रहा है, कॉमन मैन को कर रहा है तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा सबका, मतलब इंक्लूज होंगे सिस्टम में, इंक्लूड होंगे सिस्टम में, बैंकिंग में, तो ये डी हो गया सही जवाब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, ये दिया है पैसेज के अनुसार कौन सा सही मतलब है, अर्बन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स कैन ओनली फुल्ली बी सॉल्व बाय एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, यदि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को एबोलिश कर दे, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इन केस सम डजंट नो इट इज अबाउट क्लीनिंग अप द सीवर एंड ऑल मेनली ड्यू टू यू नो लैटरिंग्स एंड ऑल, सो ये हो गया मैनुअल स्कैवेंजिंग का, तो यदि हम उसे एबोलिश कर दे तो अर्बन सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये कैसा मतलब लॉजिक है, मतलब इट इज अपोजिट राइट, मतलब एक पार्ट को लॉस होगा एक पार्ट को फायदा हो रहा है ऐसे, तो उधर दोनों, एक को लॉस होगा दोनों को लॉस होगा ऐसे, मतलब काफी चल रहा है, तो यानी कि ओनली वन ही पार्ट एड्रेस किया है यहाँ पे, क्योंकि ये दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट ओनली गोज टू सो दैट नॉट एनफ हैज बीन डन टू प्रमोट पावरफुल फ्लश टॉयलेट्स एंड डिसकंटिन्यू यूज ऑफ ड्राई लैटरिंग्स, ठीक है, तो ये तो वन पार्ट को एड्रेस कर रहा है, और वो भी मतलब एक पर्सन को, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस कर रहा है वो, ठीक है, फुल्ली सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, है ना, सैनिटेशन कहाँ से सॉर्ट आउट होगा। ओके, सो वन विल बी इनकरेक्ट। फिर देयर नीड टू प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन अर्बन एरियाज, यही तो दिया है यहाँ पे, ए मोर सस्टेन एंड रिगरस कैंपेन नीड्स टू बी लॉन्च टुवर्ड्स द राइट टू सैनिटेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, तो ये पूरा जो लाइन है ये डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है कि बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, टू विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, अब इसमें दिया है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो है ना वही यहाँ पे आएगा भाई, ठीक है, मोस्ट लॉजिकल, इसमें से लॉजिक से पता करना है,
तो नेचर हैज क्रिएटेड ए ग्रेट डिवर्सिटी इन ह्यूमन सोसाइटी। अब यहाँ पे दिया है कि इट इज नॉट अबाउट डाइवर्सिटी सोसाइटी एंड ऑल, ठीक है। अब ये दिया है नहीं, गिवन ह्यूमन सोसाइटी इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ इट्स वॉन्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग मतलब वॉन्ट के नहीं भी होते हैं, मतलब सम पीपल कैन कंट्रोल देयर वॉन्ट्स, दे विल ओनली बी हैप्पी विद देयर नीड्स। जैसे यहाँ पे दिया है सप्लाई इन हिज ओन वॉन्ट्स एंड दोज वॉन्ट्स एक्टिंग अपॉन एवरी इंडिविजुअल इंपेल द होल ऑफ देम इनटू सोसाइटी, यानी कि ये भी ऐसा कुछ नहीं है, तो गलत हो गया है ना। सो सोशल लाइफ इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, ये मे बी करेक्ट, बट एज पर द पैसेज यू नो ये ऐसा कुछ है नहीं, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, है ना। सो ये गलत हो गया। डाइवर्स नेचुरल वॉन्ट्स फोर्स मैन टुवर्ड्स सोशल सिस्टम, यही तो है कि नो मैन वन मैन इज कैपेबल, ठीक है, विदाउट द एड ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की एड लगनी ही लगनी है, सोसाइटी की हेल्प लगनी ही लगनी है, वो खुद की वॉन्ट खुद ही सर्व नहीं कर सकता, कर सकती है ना। जो वॉन्ट है वो सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो पूरी सोसाइटी को उसमें मर्ज कर देते हैं, है ना, होल ऑफ देम इनटू सोसाइटी, उसी वजह से वो सोसाइटी में आते हैं। तो यानी कि विदाउट द एड ऑफ सोसाइटी नो वन मैन इज कैपेबल, यानी कि यही तो है कि डाइवर्स नेचुरल वॉन्ट्स फोर्स मैन टुवर्ड्स सोशल सिस्टम, ठीक है, तो ये डी करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लीगल इंपरेटिव्स स्टेट एनकाउंटर्स, ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट क्या रेफर करता है, तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यही तो है यहाँ पे, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का एंटीथेसिस तो नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एंड उसका मतलब एक दूसरे का मतलब पॉजिटिव निगेटिव सेंस नहीं बताया है ना, एंटीथेसिस इन द सेंस कि है ना अपोजिट बताना या फिर उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो यही तो है यहाँ पे कि लीगल इंपरेटिव्स इन एनी गिवन स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इफेक्टिव डिमांड्स दैट स्टेट एनकाउंटर्स, ये दिया है इकोनॉमिक पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी विद द स्टेट कंट्रोल्स। अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक पावर, और ये हो गया स्टेट, ठीक है। अब वैसे भी यहाँ पे भी स्टेट इनकाउंटर्स लीगल इंपरेटिव्स एंड लीगल इंपरेटिव्स एंड स्टेट, मतलब क्या पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स यहाँ पे हो गया और इकोनॉमिक हो गया, यानी कि इट इज एन इंटर रिलेशनशिप, ओके, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पैसेज है वो मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस है डेट कैन बी मेड फ्रॉम अबव पैसेज, तो अब पूरे पैसेज को पढ़ने तो हम पाते हैं कि इट इज इम्परेटिव फॉर अस टू मॉडिफाई आवर लैंड यूज प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, यही है यहाँ पे, अबाउट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से 15% ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस आते हैं। यहाँ पे दिया है कि फॉरेस्ट्री लैंड यूज एंड लैंड यूज चेंज अकाउंट फॉर अनदर 70% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, है ना, 3/4 ऑफ विच कम फ्रॉम ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल रीजन में जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका 3/4, यानी कि ये वाला 17% वाला, तो ये रिमाइंडर है लार्जली फ्रॉम ड्रेनिंग एंड बर्निंग ट्रॉपिकल पिटलैंड, ठीक है। ये पूरा जो दिया है उसमें यही है कि लैंड यूज प्रैक्टिसेस को हमें मॉडिफाई करना होगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि जैसे यही 15% दे रहा है, यही 17% दे रहा है ना, डेट इज अबाउट 32%, यानी कि 1/3 तो यही है प्रॉब्लम, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये करेक्ट हो गया। अब ये वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड इमीडिएटली रिप्लेस, ये तो काफी एग्रेसिव हो गया, मतलब है ना काफी एक एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। दे आर नो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस, है तो मतलब इसमें अभी दिया नहीं है पर सॉल्यूशंस तो होंगे ना, इसमें कुछ बात नहीं की गई है सॉल्यूशन की, है ना। ये यहाँ पे जैसे दिया था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह से, तो ये तो अलग बात है, ठीक है, तो ये इसका कुछ मतलब है नहीं, तो सी विल बी द इनकरेक्ट, बी वाला वैसे भी सही है हमारा। फिर ट्रॉपिकल एरियाज आर द चीफ साइट्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ट्रॉपिकल का 17% ही दिया है यहाँ पे, ठीक है, एंड 15% ग्लोबल दिया है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो 17% ट्रॉपिकल यानी कि टेम्परेट और बाकी सब किधर गया, है ना, तो 17% ही दिया है, 55% नहीं दिया है कि दे आर चीफ साइट्स हो गया ऐसा कुछ, तो डी विल बी इनकरेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर एज डिसाइडेड इन हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आ गया 49, ए पर्सन क्लाइम्स ए हिल इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए, ओ से एक बंदा हिल पे जाता है, हिल तो टेढ़ा ही रहता है ना ऐसे, तो सपोज हिल पे जाता है, एक पॉइंट पे पहुंचता है ए पे, लेकिन 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, यानी कि ये 5 किलोमीटर हो गया यहाँ पे, फिर वहां से वो पॉइंट बी पे जाता है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि ये जैसे यहाँ पे था ना नॉर्थ ईस्ट हिल पे जा रहा था, तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, है ना, तो ये ईस्ट हो गया ये वाला,
तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, तो यानी कि ये इस पे जा रहा है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर जाने के बाद वो बंदा नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ठीक है बंदा बंदी, सो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट ये हो गया है ना, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, यानी कि ये सपोज ये प्लेन है, ये प्लेन है ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया क्योंकि ये वेस्ट है, ओके ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है एंड ये साउथ है, इसे हम मानते हैं ऐसे, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि वो वहां से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को जाता है 12 किलोमीटर, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट को जाता है 12 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि वो उसे कितनी दूर पे है, अब या तो कुछ लोग करेंगे कि 5 + 12 ले लेंगे 19, लेकिन 19 तो है भी नहीं आंसर में, ठीक है, पर हम देखते हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं लाइन, है ना डायरेक्ट, अब ये 90 डिग्री सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, सो 12² + हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1² + साइड 2², यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, 12² + 5², तो ये 5² 25, 12² 144, तो यानी कि 169, लेकिन हमें पता है 13 × 13 169 होता है, यदि ये नहीं भी पता है तो रैंडम मल्टीप्लीकेशन से 10 × 10 100 होता है, 11 × 11 121 होता है, 12 × 12 144 होता है, 13 × 13 169 होता है, यानी कि 13 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि 13 किलोमीटर यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पे। अब इसको देख के ये नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन हमने 3 या 4 बार रिपीट कर लिया 2013 से जो भी कर रहे हैं, तो यही है मतलब एक, ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से, तो एंड एग्रीकल्चर फील्ड 15th वाला, एंड एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल एग्रीकल्चर फील्ड है, इसको रेक्टेंगल बना दिया सपोज ऐसे वाला, ठीक है, एंड लेंथ x1 मीटर है, ब्रेथ x2 मीटर है, यानी कि ये लेंथ हो गया x मीटर, लेंथ बड़ा होता है, विथ छोटा होता है ब्रेथ, तो x2 हो गया, तो x1 + x2 40 मीटर्स हो गए, यानी कि ये प्लस ये 40 मीटर्स हो गए, तो एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो उसका एरिया कितने से ज्यादा नहीं एक्सीड होगा, यानी कि एक्सीड इन द सेंस कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें जो दिया है, तो x1 + x2 400 है, अरे 40 है, ठीक है ये एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है ये 40 है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, एक्सीड क्या करेगा, मतलब एक फील्ड है, यही बोल रहा है ना कि ये पूरा जो एरिया है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा, एरिया निकालेंगे इसको लिए, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि x1 × x2। अब हम ट्रायल लेंगे कि ओके 35 × 5, तो 35 × 5 175 होता है, लेकिन यदि हम 35 × 13 × 10 कर दे तो 300 होता है, 35 × 5 कर दे तो 175 होता है, ये और कम हो गया, 25 × 15 कर दे तो ये 375 होता है ना, रैंडम मल्टीप्लीकेशन से, मैनुअल मल्टीप्लीकेशन से, लेकिन यदि हम इसको इसमें भी 5 माइनस इसमें भी 5 माइनस करते हैं तो 20 × 20 400 होता है। अब कोई कह सकता है कि क्यों 22 × 18 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, तो वो भी कर सकते हैं, पर हम मतलब यूजुअली हमें जब सॉल्यूशन पता करना होता है तो हम यूजुअली 5 के मल्टीपल्स में जाते हैं, 10 के मल्टीपल्स में जाते हैं, ताकि हमें एक मोटा आइडिया हो जाए कि मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना कि 300 हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे 375 भी हो रहा है ना, अब यहाँ पे 400 भी हो गया, यानी कि 400 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यदि हम 20 से नीचे भी ले गए यहाँ पर, ठीक है, तो 19 × यदि हम 21 भी करें तो ये भी काफी कम आता है, 19 × 20 380 आता है, और प्लस 19 तो 380 प्लस 19 399 वगैरह कुछ ऐसा हो गया है ना, तो यानी कि ये 400 से कमी है, यानी कि 400 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो 51 पे चलते हैं। 51 में दिया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हैं, उनकी जो एज है वो 3 साल पहले 80 साल थी, ठीक है, तो यानी कि एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स 3 ईयर्स एको वॉज 80 ईयर्स, यानी कि एवरेज सबकी एज क्या होगी 16 ईयर्स होगी, ठीक है, फिर एवरेज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वॉज 3 ईयर्स एको, यानी कि एवरेज एज आज भी उतनी है जितने 3 साल पहले थी, क्योंकि एक बच्चा हुआ, ठीक है, एडिशन ऑफ ए बेबी, एक बच्चा हुआ उसमें, तो इंटरवेनिंग पीरियड मतलब बीच में किसी का बच्चा हो गया था, सो इसके लिए अब वो वापस एज जो है एवरेज वो उतनी ही है 3 साल पहले वाली, तो यानी कि अभी जो हो गया एज वो 3 × 5 हो गया, क्योंकि 3 साल पहले के दिए ना तो बढ़ेंगे भी तो ना उतने, ठीक है, तो 3 × 5 हो गया, 5 मेंबर्स हैं, 3 साल पहले की बात की गई है, तो यानी कि 3 × 5 हमें 15 बढ़ाना पड़ेगा इसमें,
तो 80 प्लस 15 95 ईयर्स हो गया। अब बोल रहे हैं कि आज का जो एवरेज मेंबर्स है फैमिली मेंबर्स का एज वो 3 साल पहले के बराबर है, यानी यानी कि 6 into एज ऑफ मेंबर इक्वल टू 16 into 6। 16 क्यों? क्योंकि ये एवरेज 3 साल पहले वाला सेम था और 6 लोग हो गए, तो 16 into 6 कितना हो गया? 96। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा है कि प्रेजेंट एज क्या है, 95 ईयर्स है, तो यानी कि बच्चा कितने साल का हुआ? 96 ईयर्स माइनस 95 ईयर्स यानी कि 1 ईयर। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक बार वापस समझा देता हूँ, 5 मेंबर्स की एवरेज एज 3 साल पहले 80 थी, तो यानी कि उनकी एवरेज एज नहीं मतलब पूरी एज 80 ईयर्स थी, तो एवरेज एज कितनी हो गई? 80/5, 5 मेंबर्स थे तो 80/5 16। अब की जो एज है, अब की एज क्या होगी? पहले 80 थी ना, अब क्या होगी? 3 साल बड़ी बढ़ेंगे ना सब, तीनों पांचों के पांचों, और 5 लोग है, 3 साल है, तो 3 into 5 ऐड कर देंगे, 95 ईयर्स हो गया। लेकिन अब की जो एज है वो 5 साल पहले जो, अरे 3 साल पहले जो 5 मेंबर्स की एज थी उसके बराबर है, यानी कि 16 ईयर्स है अभी भी, तो अभी 6 मेंबर्स है, यानी कि 6 into एज ऑफ मेंबर, तो 16 into 6 इक्वल टू 96। अब 96 और 95 का माइनस कर दो तो 1 हो गया, तो ये बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 52, टोटल इमोलमेंट्स ऑफ टू पर्संस आर सेम बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65%, यानी कि दोनों की सैलरी मतलब एक ही है, लेकिन एक को 65% का अलाउंस मिल गया बेसिक पे से, एंड दूसरे को 80% का अलाउंस मिल गया बेसिक पे से। तो अब बताना है कि रेशियो बेसिक पे का क्या है टू द फॉर्मल फॉर्मर बेसिक पे, मतलब अब का बेसिक पे और पहले के बेसिक पे में अंतर क्या है, मतलब रेशियो क्या है उसका। तो यानी कि टोटल पे इक्वल टू बेसिक पे प्लस अलाउंस, तो मान लेते हैं कि बेसिक पे दोनों का 100-100 रुपये था। ठीक है, अब इसका 65 रुपये बढ़ा, 65% बढ़ा, यानी कि 65% कितना होता है 100 का? 65 ही होगा, तो 100 प्लस 65 ऐड कर देंगे, यानी कि 165 हो गया। फिर दूसरे वाले का 80 बढ़ा है, ठीक है, तो 80% बढ़ा, यानी कि 80/100 × 100 तो 80 हो गया। 80% 100 का 80% कितना होता है? 80 होगा, तो 100 जो बेसिक था प्लस अलाउंस जो बढ़ा वो SSC, यानी कि 165/180। अब बोल रहा है कि अभी की जो मतलब अलाउंस है ए और एस टू बी की, ठीक है, रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर, यानी कि पहले वाले की जो पेमेंट है उसका दूसरे वाले की पेमेंट से, यानी कि ये 180, ठीक है, 180/165, इसका हमें बेसिक पे रेशियो निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे रिवर्स कर दिया आई थिंक, तो 180/165। अब इसको यदि हम डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 165 है ना, तो 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, 165, 617, 7+5 ये भी ऐड हो जाएगा 3 से, लेकिन हम 5 से करते हैं, थोड़ा बड़ा से करते हैं। ठीक है, तो 3 5 15 1 5, तो यानी कि 33, यानी कि 33 हो गया, और 180 यानी कि 3 5 15, फिर 3 बचा 30 यानी कि 36, 6 5 6 30 यानी कि 36/33। अब इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 12/11 आ गया, नहीं 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, लेकिन 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36, यानी कि 12/11 आंसर हो गया, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक पर्सन है वो फर्स्ट स्टेप है बॉटम पे, ठीक है, यानी कि ये सपोज सीढ़ी है, ये बोला है कि सीढ़ी है सपोज, एक लैडर है, तो वो बॉटम पे खड़ा है पहले स्टेप पे बॉटम से, यानी कि ये सपोज ये बॉटम हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पहले स्टेप पे खड़ा है बंदा या बंदी, यदि उसको 4 more steps चढ़ने पड़े, यानी कि ये दूसरे पे, ये है ना, ये यानी कि 1 2 3 4 है ना, तो टोटल कितने लैडर्स हैं? ठीक है, 1 2 3 4, तो टोटल कितने लैडर्स हैं? 1 2 3 4 5 है ना, तो वो बीच में पड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 लैडर्स चढ़ा वैसे, 1 2 3 4, तो ये बीच में आ जाएगा, यानी कि ऊपर भी 4 होनी चाहिए, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, ठीक है, यानी कि वो पहले पे है तो 5वें पहुंचे, 4 और ऐड किया तो 5वें पे पहुंच गया, राइट, यानी कि ये सपोज ये पहले पे था तो ये दूसरे पे पहुंचा, तीसरे पे पहुंचा, चौथे पे पहुंचा, 5वें पे पहुंच गया, और ये 5वां मेडल है,
यानी कि इसके नीचे चार है और इसके ऊपर भी चार है, तभी तो ये मिडिल में होगा। तो फोर फोर एट, 8 + 1 9, तो यानी कि ये करेक्ट हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है कि तीन फ्रेंड्स हैं तो वो अलग अलग मिले थे, तीन फ्रेंड्स मिलते हैं तो पता चलता है कि जो बाहर के उन्होंने कपड़े पहने हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं रैंडम ऑर्डर में। तो किसी ने जैकेट पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, टाई पहने हैं और रंग है ब्लू वाइट एंड ब्लैक। ओके, सरनेम्स है रिबीरो, कुमार एंड सिंह। अब ये गिडमैन है कि नैदर बी नॉर रिबेरो वोर ए वाइट स्वेटर, तो यानी कि ना ही बी ने पहना ना ही रिबेरो ने वाइट स्वेटर पहना, यानी कि कलर ऑफ द स्वेटर इज वाइट, ठीक है। और सी ने टाई पहना है, दूसरे वाले में दिया सी ने टाई पहना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी और रिबेरो ने वाइट स्वेटर नहीं पहना, तो या तो ए सी ने वाइट स्वेटर पहना होगा या जैकेट पहना होगा, क्योंकि सी ने टाई पहना है तो दो ही बचता है ना, स्वेटर और जैकेट। तो या तो ए और सी में से वाइट स्वेटर या जैकेट पहन लिया होगा, लेकिन सी ने जैकेट पहना है तो ए वाइट स्वेटर पहनेगा। क्यों? क्योंकि ए या सी में से ही वाइट स्वेटर या जैकेट पहना है ना, और इसने टाई पहन लिया है ना, तो ये वाइट स्वेटर पहनेगा। ओके, क्योंकि बी ने पहना नहीं है, सी ने टाई पहन लिया है, बी ने वाइट स्वेटर पहना नहीं है, तो बचा क्या, एक ही तो बचा, तो बी ने जैकेट पहना है, ए ने वाइट स्वेटर पहना है, बी ने जैकेट पहना है। ओके, फिर सिंह गारमेंट वॉज नॉट वाइट, सिंह ने वाइट नहीं पहना था, सिंह ने वाइट नहीं पहना था तो तीन ही कलर्स थे, तो बाकी के ब्लू और ब्लैक हो गए, तो या तो सिंह ने ब्लू पहना होगा या ब्लैक पहना होगा, तो यानी कि सी या तो बी है या सी है, डेट इज बिकॉज ए ने तो वाइट स्वेटर पहन लिया ना वाइट, तो ये नहीं हो सकता, बी या सी में से ही होगा। ओके, अब यहाँ पे दिया है कुमार वियर जैकेट नहीं पहनता, तो कुमार जैकेट ही पहनता तो स्वेटर या टाई पहनेगा है ना, पर टाई तो पहन लिया ना सी ने, तो कुमार क्या पहनेगा, स्वेटर है ना, कुमार स्वेटर पहनेगा क्योंकि टाई तो सी ने पहन लिया है, हमने यहाँ पे दिया ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कुमार ने स्वेटर पहना है वाइट वाला, ये जो ए वोर वाइट है, यानी कि ए ने वाइट स्वेटर पहना था और ये कुमार हो गया, तो ये हमें मिल गया। फिर ये बोला है कि रिबेरो को ब्लैक पसंद नहीं है, ठीक है। अब इसने वाइट पहन लिया है तो रिबेरो को ब्लैक पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली रिबेरो को ब्लू पहना होगा है ना। अब रिबेरो ने ब्लू पहन लिया, कुमार ने वाइट पहन लिया, तो और ए है वो, ठीक है, तो सिंह क्या है, ब्लू बी होगा, वो ब्लैक पहनेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो था सिंह या तो बी है या सी है, ठीक है। तो अब सिंह बी हो गया क्योंकि सी तो टाई पहनना था ना, तो ये हो गया, तो रिमेनिंग सी बी ब्लैक पहन लिया, तो यानी कि ये हमें बी क्या है, जैकेट है, यहाँ पे दिया था बी वोर जैकेट, और सी ने टाई पहना था वो ब्लू है, और रिबेरो ने पहना। अब बोला है कि बताओ इसमें से सी का सरनेम क्या था, सी का सरनेम क्या था, रिबीरो, तो ये हो गया सही जवाब। व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, टाई की कलर क्या है, टाई कलर ब्लू है बिकॉज रिबेरो ने को ब्लैक पसंद नहीं है और ए ने पहले ही व्हाइट पहन लिया है, तो इसके लिए टाई है ब्लू ही कलर की जो रिबेरो ने पहना होगा, ठीक है, तो टाई ब्लू कलर की है। हु वोर द स्वेटर, स्वेटर कौन पहना, ये दिया तो था यहाँ पे कि ए सी ने स्वेटर या जैकेट पहना होगा, सी ने टाई पहन लिया है, तो सी टाई पहनेगा नहीं तो ए ही व्हाइट स्वेटर पहनेगा। फिर 57 में दिया है कि ए बी वर्टिकल ट्रंक है एक, यानी कि ए और बी एक वर्टिकल ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन सपोज यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। ए बी वर्टिकल ट्रंक है, जो ए है वो बेस है, बेस ऑफ द ट्रंक है, वो ग्राउंड को टच करता है, यानी कि ये ग्राउंड पे, साइक्लोन की वजह से ये सी पे टूट गया, यानी कि ये यहाँ पे टूट गया, ए बी का ट्रंक था ये, नीचे और ये सी पे टूट गया, ठीक है। अब सी पे टूट गया तो ये 12 मीटर पे है, ठीक है, तो ये 12 मीटर पे है यहाँ पे, यानी कि इसकी लेंथ 12 मीटर है हाइट, ठीक है। ब्रोकन पी पार्ट जो है वो सी से अटैच हो गया, ट्रंक एट सी, सी से, ठीक है, यानी कि अटैच हो गया, इन द सेंस गिरेगा ना नीचे, अब या तो इस साइड गिरे या फिर ये इस साइड गिरे, तो यानी कि सपोज ये इस साइड गिरा है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये टेढ़ा हो गया, तो ये इस साइड, ओके, तो यानी कि ये सी ऐसे गिरा। अब ये दिया है कि जो बी है वो ग्राउंड डी पे टच करता है,
यानी कि डी पर टच करते हैं यहाँ पे, ये डी को टच करते हैं, यानी कि ये जो इधर था ना यही नीचे गिर गया है, यानी कि ये कैंसिल हो गया है, अब ये वाला नीचे गिर गया है, तो ये डी को टच करता है जो कि ए से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि ए जो है यहाँ पे इससे 5 मीटर की दूरी पे है, और इसका ये 12 मीटर बताया था, तो अब बोला है कि ओरिजिनल हाइट बता दो इसकी। तो अब ये भी तो रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा यहाँ पे, ठीक है, कि 12 और 5 का स्क्वायर हमने मारा था तो ये 13 आया था, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 13 आएगा, और 13 सपोज ये आएगा यानी कि ये ऊपर जाएगा ना, तो 13 प्लस 12 कितना हो गया, 25 हो गया। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वापस सॉल्व करो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 169 वापस आएगा, 169 आ गया, तो यानी कि ये 13 हो गया, स्क्वायर रूट 169 का लिया तो सिमिलरली जैसे पहले लिया था, तो 13 सपोज ये हो गया फिर, ठीक है, इसका हमने 13 निकाला ना, इसका ये वाले का हमने 13 निकाला, और ये वाले का 12 है, तो यानी कि ये गिरा था ना, तो अब ये ऊपर भी तो जाएगा ना, ये तभी तो पूरा पार्ट बनेगा, तो ये हम 12 और 13 को ऐड कर देंगे, तो 12 और 13 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, जो कि यह सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंसान है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, अब प्लेन में जैसे बताया है ऊपर नॉर्थ होता है, ये साइड ईस्ट होता है, ये साइड वेस्ट होता है, ये साइड साउथ होता है नीचे, ओके। तो सपोज ये बंदा बंदी यहां पे था, ठीक है, अब बोला 12 किलोमीटर ऊपर गया, 12 किलोमीटर नॉर्थ गया, यानी कि 12 किलोमीटर ऊपर हम लेके गए, ठीक है बच्चे लेके चले जाओ, फिर बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर ईस्ट भी गया वहां से, यानी कि 15 किलोमीटर ईस्ट भी चला गया, चलो मान लेते हैं 15 किलोमीटर ईस्ट गया, प्लॉट करते जाओ यहाँ पे यहाँ, ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि ये तो बड़ा हो गया ये छोटा हो गया क्योंकि ये 12 किलोमीटर है, हम जियोमेट्रिक इतना नीटी ग्रिटी में नहीं जा रहे हमें, ठीक है। सो ये 12 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर इस साइड गया, ओके, लेकिन वो वहां से ना 19 किलोमीटर वेस्ट गया, यानी कि ये यहां से सपोज मुड़ा उड़ा भी नहीं, नीचे नहीं गया, लेफ्ट राइट नहीं किया, लेकिन ये यहीं से पीछे मुड़ गया, अबाउट टर्न पीछे, पीछे मुड़ जो होता है ना, पीछे मुड़ गया, ठीक है, तो ये 19 किलोमीटर पीछे मुड़ गया, यानी कि ये 15 किलोमीटर तो ट्रैवल करेगा ही करेगा वापस, लेकिन ये 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि 19 किलोमीटर माइनस 15 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल हो गया 19 किलोमीटर, तो यानी कि ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 15 किलोमीटर साउथ गया, यानी कि 15 किलोमीटर साउथ गया, ये यहां पे गया, अब 15 किलोमीटर साउथ गया यानी कि ये 12 किलोमीटर निकला था, 15 किलोमीटर चला गया यानी कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 था ही क्योंकि ये 4 था तो ये भी 4 होगा, ये 4 था ही। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो, अब या तो तुम बोलो कि 4 × 3 = 7 मीटर है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं दिया है, नहीं तो आपको पता है कि ट्रिपलेट्स होते हैं जो स्क्वायर ट्रिपलेट्स, वो 3, 4, 5 के ट्रिपलेट्स होते हैं, 3, 4 दिख रहा है आपको, 5 पे टिक मार दो सीधा, अब नहीं मार रहे हो तो ठीक है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर निकालो, 3² + 4² तो ये हो गया 16 + 9, 4² 16, 3² 9, 16 + 9 25, अब इसका स्क्वायर रूट लो, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, तो 25 हो रहा है, तो 25 विल बी द करेक्ट आंसर, सो 5 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, ए क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, एक क्यूब है उसका जो सारा का सारा फेस है, ठीक है, एक सपोज ये क्यूब हो गया, क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे सपोज ये क्यूब हो गया, टेढ़ा बन गया थोड़ा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा, तो ये क्यूब है, तो वो इसका एक जो सारा फेसेस है वो डिफरेंट कलर से पेंटेड है, एक कलर से नहीं, अब उसको स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में काटे जाते हैं, स्मॉल क्यूब्स में इक्वल साइजेस के, सच डैट जो स्मॉल क्यूब है वो 1/4 होगा बिग क्यूब के, यानी कि ये जो जितना था ना उसका 4 गुना कम होगा, यानी कि सपोज ये 16 यूनिट था तो ये 4 यूनिट होगा, ये 64 यूनिट था तो ये 16 यूनिट होगा, ऐसे तो स्मॉल क्यूब्स कितने बन जाएंगे एक साइड पेंटेड वाले, तो अब हमें पता है कि 4 क्यूब्स होंगे जो कि 1 फेस पेंटेड होंगे, ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये 4 फेस हो गए ना, 1, 2, 3 and 4, 4 फेसेस होंगे जो कि पेंटेड होंगे, दैट इज बिकॉज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, तो एक फेस 4 फेस वाला ही पेंटिंग होगा, ठीक है, तो बाकी 4 का डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि वो दिख जाएगा ऐसे, ठीक है।
चार फेसेस, ये एक एक्चुअली फैक्ट है, इसको रटना पड़ेगा ऐसे। देयर विल बी सिक्स सच फेसेस इन बिग क्यूब, बिगर क्यूब में छह ऐसे फेसेस होंगे, ये भी रटना पड़ेगा। तो टोटल कितने क्यूब्स होंगे? ये फोर क्यूब्स हैं क्योंकि 1/4 था, तो 4 × 6 सच क्यूब फेसेस इन बिगर क्यूब, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ गया। ठीक है, यानी कि 24 ऐसे क्यूब्स होंगे छोटे छोटे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यूब्स थोड़ा थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है कॉन्सेप्ट के जरिए, तो यू कैन टेक अ कॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, राम एंड सैम 4 दिन में काम करते, 4 दिन काम करते और 60% खत्म कर देते हैं। ठीक है, सपोज उन्हें बिल्डिंग बनानी है, वो 4 दिन काम करते हैं और 60% उसका काम खत्म कर देते हैं, तो यानी कि पूरा कितने दिन में लगेगा? तो सबका दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 60% है, उसमें 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 ही किया ना, तो 4 दिन में किया है 60%, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलके। तो ये 3/20 करते हैं, क्यों? क्योंकि ये 4 को यदि हम 60 से डिवाइड करें 15 आता है, 15/100। अब 5 से 15 को डिवाइड कर दो तो 3 हो गया, 5 को 100 से डिवाइड करो 20, तो 3/20 हो गया। तो अब बोल रहे हैं कि जो श्याम है वो 8 दिन और काम लेता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो यानी कि 8 days ऑफ वर्क ऑफ श्याम विल बी इक्वल टू 1 - 60/100। 60 क्यों? क्योंकि ये 60% ऑलरेडी कर चुका है ना, तो 40% ही करना है। ठीक है, तो यानी कि 40/100 है ना, ये 40/100 करना है। तो एक दिन कितना लगेगा? ये तो 8 दिन का था ना, एक दिन का कितना लगेगा? उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 × 100, 40/100 × 1/8, तो 8 × 5 = 50 होता है, तो 5/100 हो गया। ठीक है, 5/100 क्या, 5 5 5 = 5 और 5 × 20 = 100, तो 5/1/20 कर दो, तो यानी कि ये 1/20। तो राम का एक दिन का जो काम है वो क्या हो जाएगा? जो राम और श्याम दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो, माइनस जो श्याम अकेले काम कर रहे हैं, तभी तो राम का निकल पाएगा ऐसे। तो ये 3/20 थे, दोनों मिलके काम कर रहे थे, और ये 1/10 है, अरे 1/20 है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट किया, तो 3 - 1 = 2 होता है, 2/20 यानी कि 1/10। अभी ये 1/10 हमें तो पता है कि ये तो एफिशिएंसी हो गई ना। ठीक है, तो वर्क इक्वल तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो 1/10, तो राम को 10 दिन काम लगेगा उस पूरे काम को अकेले करने में, तो डी विल सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब याद दिया है मिलिट्री कोड है, सपोज एक सीक्रेट कोड है, रॉ वाले यूज कर रहे हैं, आईबी यूज कर रही है ना फॉर सीक्रेट सर्विसेस, सीक्रेट ताकि लोगों को पता ना चले इससे, तो वो सिस्टम को ना एज ए सिस्मेट लिखते हैं और नियरर को एज AENRER लिखते हैं। तो सेम कोड यूज करते हुए फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? हम ध्यान दें तो ये सिस जो है ना, SYS, उसको रिवर्स कर दिया गया है यहाँ पे, तो यानी कि ये जो है ना, ये वो यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया और ये यहीं पे रह गया है, बिकॉज इसको हम इधर से ले 1 2 3 या फिर इधर से ले, टू बीच में रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी TEM, इसको भी MET कर दिया गया, यानी कि इसको ये इधर ले गया है, इसको ये इधर ले गया है, पोजिशन रिवर्स की गई है, तो सिसमेट हो गया। नियरर में भी NEA को NEA कर दिया है, AEN कर दिया है, देखो यहाँ पे AEN कर दिया, और RER को RER रहने दिया है, RER रहने नहीं दिया है ये, चूंकि यहाँ पे भी आ रहा है तो ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये यहाँ पे भी आ रहा है तो ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? यानी कि फ्रैक्शन इसमें 4 हो गए, अब बोलोगे यहाँ पे तो 3 3 लीटर से थे, 6 लीटर से, यहाँ पे 8 है, तो पोजिशन चेंज हो रही है ना लास्ट मिडल वाले से लगभग, तो यानी कि सी फिर ए फिर आर और फिर एफ, यानी कि CARF कहाँ पे है? अच्छा, ये CARF यहाँ पे, CARF यहाँ पे, तो ये दोनों को तो कट कर दो। ठीक है, अब ये दिया है TION, यानी कि ये अब उल्टा होना चाहिए, तो यानी कि ये यहाँ पे N होना चाहिए, फिर OIT, NOIT, यहाँ पे तो TION ही है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे NOIT है, तो सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सपोज आर एंड एस डिफरेंट इंटीजर्स हैं, जो कि दोनों के 5 से डिविजिबल है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो अब इसमें क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स ले लेते हैं, 5 और 10 समझो। ठीक है, तो 5 और 10 तो डिविजिबल है ना, स्टार्टिंग वाले लेते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आर माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, तो 10 - 5 इज डिविजिबल 5, हाँ 5 डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आर प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10। अब आर हमने 5 लिया था, एस 10 लिया था, तो 15 हो गया। अब 15 से 10 से थोड़ी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब है ना, दिस वॉन्ट बी डिविजिबल। तो यानी कि ये हमारा सही जवाब हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट नेसेसरीली ट्रू पूछा है, फॉल्स नहीं पूछा। अब हम आगे अपनी मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए करें, तो आर इंटू एस डिविजिबल बाय 5, 25, तो 5 × 10 50, 50 डिविजिबल बाय 25, हाँ 2 आता है। फिर आर स्क्वायर इज अपॉन प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो क्योंकि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 125 इज डिविजिबल बाय 5, सही तो है। तो यानी कि बी हमारा सही जवाब हो गया यहाँ पे। फिर ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन विथ और एंड विथ 2। अब हम इसे मैनुअली करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है, पर मैनुअली करना पड़ेगा 101, 102, 103 ऐसे करके, तो पाओगे 102 तो है, मतलब लास्ट में आता है, ठीक है। तो अब लास्ट में ही पूछा ना, तो इतना टफ भी नहीं है, बिकॉज ये लास्ट में पूछा है, टोटल नंबर नहीं पूछा है। तो यानी कि 102 सबको पता है, 112, फिर 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192। अब 202 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 10 ही नंबर्स है। हमें बताता हूँ क्या क्यों सच नंबर्स। फिर बोला है 200 to 300 भी तो पता करना है ना, क्योंकि 100 to 300 के बीच में पता करना है, तो 200 से 300 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो लास्ट में दो होंगे, वैसे 100 नंबर्स होंगे। ये क्यों? क्योंकि ये दो खुद ही है, 202 है ना, तो डेट इज बिकॉज कि इसमें 100 वाले में तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, एंड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछा है बिगिन या एंड, दोनों में से कोई भी, तो यहाँ पे 200 में से तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, और 2 पे एंड भी करना है, यानी कि वो 10 और ये 90, तो यानी कि ये 100 हो गया। 202, 201, 202, 203, 204 वगैरह वगैरह करते जाओ, ठीक है। तो 201, 202, 203, 204 ऐसे करते जाओगे, ठीक है, तो वैसे वो 100 नंबर्स आते हैं टोटल टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट नहीं लेना है, तो 100 नंबर्स तो हो गया ना टोटल, 200 300 के बीच में, तो यानी कि ये यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 100 था, तो 110 ये सी हो गया। फिर दिया है नीचे 8 क्वेश्चंस के लिए 5 पैसेज दिए गए हैं। अब इसमें दिया है कि क्रिटिकल मैसेज क्या कन्वर्ट किया गया, पूरे पैसेज को पढ़े तो इसमें दिया है कि डाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीट और डेयरी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जो एक खाने का एक वे बन गया है, तो वो वर्ल्ड रिसोर्स पे ज्यादा भारी पड़ जाएगा, डेट इज बिकॉज वो अनरिफाइंड ग्रेन्स और नट्स फ्रूट्स वेजिटेबल पे है ना करे तो ही अच्छा है। तो इसमें यही है कि आवर इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड सोर्स फ्रॉम एनिमल्स पुट अ ग्रेटर बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो है कि हमारे जो अनरिफाइंड ग्रेन्स नट फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उन पे बर्डन क्रिएट करते हैं, तो ये सी ए सही हो गया, ठीक है। तो अब हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि इसमें से लॉजिकल एजम्पशन क्या है, पैसेज को पढ़ो, उसमें से सबसे पहले दिमाग में क्या निकल के आता है, क्या सोच सकते हैं अपन। इसमें दिया है कि विंड नो लॉन्गर नीडेड टू डाइजेस्ट मिल्क, ओके, स्टॉप मेकिंग द एंजाइम लैक्टेज After human begin herding cattle, tremendously advantageous to digest milk. Lactose tolerance evolved independently among cattle herders. In Europe, groups non-dependent on cattle remain lactose intolerant. अब पूरे पैसेज को पढ़ना तो यही पता कर चलेगा कि परमानेंट चेंज इन फूड हैबिट्स ऑफ ए कम्युनिटी कैन ब्रिंग अबाउट ए जेनेटिक चेंजेस इन इट्स मेंबर्स। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया है कि कैटल बिगेन बींग डोमेस्टिकेटेड जो 1000 10,000 ईयर्स एगो है, वो अब उन्हें मिल्क को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके वजह से उन्होंने लैक्टेज को बनाना बंद कर दिया, ठीक है, जो कि शुगर लैक्टोज को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इंसान जब कैटल को, मतलब यही है कि अब उन लोगों ने डाइजेस्ट मिल्क डाइजेस्ट करना बंद कर दिया, तो एंजाइम लैक्टेज को बनाना ही बंद कर दिया, ठीक है, तो यानी कि वो जेनेटिक चेंज ला सकता है, तो बी वाला करेक्ट हो गया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे है ऑथर का क्या इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज जो है वो नेशनल इनकम कंपैरिजन में अंडर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में वो सीरियस है, दैट इज बिकॉज अ पार्ट ऑफ नेचुरल आउटपुट इन वेरियस अंडर डेवलप्ड
countries is provided without passing through the commercial channels. Commercial channels in the sense formal channels, है ना, unorganized sector में जो कर रहा है. तो यानी कि यही है कि existence of non-commercialized sector in different underdeveloped countries renders the national income comparison over countries difficult. यही तो है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो वो पास नहीं हो पाता फॉर्मल सेटअप में, तो इसके लिए हम कंपेयर नहीं कर सकते एक तरीके से. तो बी सही जवाब हो गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लॉजिकल कोरोलरी क्या है इसमें से. तो यहाँ पे पढ़े कि इंक्रीज इन ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर कुड इनिशिएट ए चेन रिएक्शन अनसेटल वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वायर्स ऑन द प्लैनेट सॉइल. ठीक है, ऑल प्लैनेट एंड अर्थ एटमोस्फियर कंबाइंड. यानी कि यही है कि जो ग्रीन कवर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो सॉइल में कार्बन ट्रैप्ड है उसको निकाल सकता है. यही तो है यहाँ पे कि जो सॉइल है वो उसके दुगुना कार्बन उसमें है, ठीक है, जो कि अभी प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ में के एटमोसफियर में कंबाइंड है, उससे दुगुना सॉइल के नीचे दबा हुआ है. ठीक है, अनसेटल वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन रिजर्वायर्स. तो यही तो है कि इंक्रीजिंग ग्रीन कवर को ट्रिगर द रिलीज ऑफ कार्बन ट्रैप्ड इन सॉइल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. अब ये दिया है कि हिस्टोरिकली है ना, तो ये दिया है कि इसमें से फंडामेंटल सॉल्यूशंस क्या है वर्ल्ड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को पैसेज के अनुसार. ये ध्यान देना, पैसेज के अनुसार पूछा है. तो ये पूरे देख लें तो इसमें यही आता है कि प्राइस अफोर्डेबिलिटी बाय द पुअर, एक ये आया है पूरे इसमें मैटर, ठीक है, एंड रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ मार्केटिंग. यहाँ पे है ना रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ फूड प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड प्राइसेस स्पेशली प्राइस अफोर्डेबिलिटी. तो यानी कि दो और तीन सही होगा. बाकी ये मोर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पूरे पैसेज को पढ़ने पे या फिर प्रोवाइड फूड सब्सिडी टू वन एंड ऑल, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं है. तो यानी कि ये फोर और ये वन गलत हो गया. टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर. फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बिगेस्ट चैलेंज टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज, वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे बिगेस्ट चैलेंज क्या है. यही तो है कि बिगेस्ट चैलेंज टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज बीन टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ फूड. यही है टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड, पहले ही लाइन में दिया था. फिर ये दिया है अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज, ऊपर पैसेज के अनुसार इसमें से कौन सा है वो हंगर को और स्टार्वेशन को खत्म करने में, मतलब रिड्यूस करने में, खत्म नहीं रिड्यूस करने में मददगार साबित हो सकता है. तो बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फूड, तो ये यहाँ पे है बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फूड. एंड यहाँ पे ये भी है ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट सप्लाई एंड लैक इन परचेसिंग पावर. तो यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर, यानी कि लैक परचेसिंग पावर की लैक है ना, तो उसको इंक्रीज करना है अपने को. तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया. इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ फूड, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है इम्पोर्ट्स वगैरह का, तो ये गलत हो गया. दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो यानी कि ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया. चेंजिंग द फूड कंजम्पशन पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस, ओके, तो ये भी हम देखें तो इसकी जरूरत भी नहीं थी हमें वैसे, ठीक है, तो गलत हो गया क्योंकि ये दिया भी नहीं है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस एंड ऑल. ओके, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. द इशू ऑफ वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ फूड हैज गेन इंपॉर्टेंस मेनली बिकॉज ऑफ, अभी हम इसको पढ़ें तो मेनली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ फूड हैज बीन गेनिंग सिग्निफिकेंस. ये लाइन में ये इसलिए दिया है क्योंकि जनरेट अनइंटरप्टेड फूड चेन और चेन ऑफ फूड सप्लाईज हैव कम अंडर द स्ट्रेन. तो यही है कि लिमिटेड इन द कैपेबिलिटीज ऑफ सब्सिस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि फूड चेन में एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है. जनरेटेड अनइंटरप्टेड चेन ऑफ फूड सप्लाईज हैव कम अंडर द स्ट्रेन, ठीक है, तो यानी कि ये सही हो गया. ओवर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड लाइफ, पूरे पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है. फिर शार्प डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ फूड प्रोडक्शन, नहीं, चेन फूड जो फूड चेन है ना सप्लाई की वो डिसबैलेंस हो गई है, ठीक है. जैसे अभी कोविड आया था तो उसमें डिसबैलेंस हो गई थी, वैसे वाली बात की गई यहाँ पे. तो वन टू रॉन्ग हो गया, थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार डिजिट नंबर फॉर्म करना है 1, 2, 3, 4 को, और इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए. इसके साथ साथ चार और कंडीशंस दी गई हैं कि दो और तीन जो है ना वो एक दूसरे के फॉलो नहीं करने चाहिए, है ना, मतलब आसपास नहीं चलने चाहिए. तो पहले वाले क्राइटेरिया से ना बना लेते हैं पहले कि 1, 2, 3, 4 को यूज करके क्या कर सकते हैं जिससे दो और तीन इमिडिएटली फॉलो ना करें एक दूसरे को, ठीक है.
पहला नंबर हम बना सकते हैं 2143, फिर 2413, फिर 3142, फिर 3412, फिर 4312, ऐसे करके बना सकते हैं दो दो तीन चार। फिर ये तो हो गया, चलो वन इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय थ्री, तो थ्री के बाद वन नहीं आना चाहिए, यानी कि 31 31 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दो। तो यानी कि 1 2 3 4, 1 4 2 3, 1 3 4 2, 1 4 3 2, 2 1 4 3, ऐसे नंबर्स हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें 3 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सपोज हो गया। चलो फोर इज नॉट टू अपियर एट द लास्ट प्लेस, फोर इसमें से लास्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, तो यानी कि अब इसमें जहां जहां फोर है ना, तो वो लास्ट में नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 1 4 3, 2 4 1 3, 3 1 4 2, 3 4 1 2, 4 3 1 2, ये हमने लिख दिया फोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि वन इज नॉट टू अपियर एट द फर्स्ट प्लेस, पहले पोजिशन पे वन नहीं आना चाहिए, यानी कि ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, बचेगा ये 2 1 4 3, 3 2 4 1, 3 4 2 1, 3 2 1 4, तो ये आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये भी आएगा, बिकॉज 1 3 4 2 भी तो लोगे ना, है ना, वन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड में ही आना चाहिए यहाँ पे, तो ये यहीं से आ गया। ठीक है, तो 3 1 4 1 3 4 2 हो गया। तो अब बोल रहा है कि ये चारों के चारों कंडीशन थे ना, उसको सेटिस्फाई करना था, तो हम ऐसे में निकाल देंगे जो कि वन इज नॉट टू अपियर एट फर्स्ट प्लेस, यानी कि इसको यदि हम कट कर देते हैं तो बस यही नंबर आते हैं 2 1 4 3, 2 4 1 3, 3 1 4 2, 3 4 1 2, 4 3 1 2, एंड 2 3 4 2 1, तो ये वन में नहीं आ रहा है। अब पूरे जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई जो कर रहा है वो यही कर रहा है, 3 2 1 4 3, 2 4 1 3, 3 1 4 2, 3 4 1 2, 4 3 1 2, 3 4 2 1। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर 6 हो रहे हैं नंबर। ठीक है, अब हो गया 73। ए सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 7 मीटर इज टू बी फिल्ड फ्रॉम, मतलब एक सिलेंडर का ओवर टैंक है, ओवरहेड टैंक है, यानी कि सपोज ये सिलेंडर बना हुआ है और ऊपर से डाला जा रहा है। ठीक है, इज टू बी फिल्ड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड ट्रैक, एक अंडरग्राउंड भी टैंक है, ठीक है, अंडरग्राउंड सपोज ये यहाँ पे भी था, ओके, उसको उसके साइड से 5.5 × 4 × 6 मीटर से भरा जाना है। तो इसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो अंडरग्राउंड टैंक का, वो वाटर से फिल रहेगा इवन आफ्टर फिलिंग द ओवरहैंड टैंक कंप्लीटली, जो ऊपर वाला टैंक है उसको पूरा भरने के बाद भी कितना मतलब खाली रहेगा, है ना। तो यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे जैसे हाइट और रेडियस है वो 2 मीटर और 7 मीटर रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं, और हमें पता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। अब चूंकि यहाँ पे 7 दिख रहा है तो हम कैंसिल करने में हमें ईजी हो जाएगा ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, इंटू 2 × 2, 2 × 2 क्यों, क्योंकि 2 रेडियस है और रेडियस का स्क्वायर चाहिए पाई आर स्क्वायर में, तो 2 × 2 कर दिया, इंटू 7, 7 क्यों, हाइट वाला एच भी लाना है, तो अब ये कैंसिल हो गया ना 7 7, तो 22 × 2 44, 44 × 2 88, तो यानी कि 88 हो गया। अब बोल रहा, अब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो पूरी कैपेसिटी पता चलेगी ना कितनी उसमें डाल सकते हैं ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसका मल्टीपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि इसको यदि मैनुअल मल्टीप्लाई कर लें 5.5 × 4 × 6, यानी 4 × 6 = 24, हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 24 × 5 कितना होता है, और प्लस 12 ऐड कर दो, ठीक है, तो 24 × 5 120, और प्लस 12 तो 132, या फिर सीधे कर दो ना 24 × 2.5.5, तो मैनुअल मल्टीप्लीकेशन से भी 132 आता है। अब इसका हमें कितना बचा हुआ है ना, तो इसको हमें रेशियो निकालना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल वाला यूज करके, तो 132 ये है माइनस 188 करना है, तो 132 − 88 अपॉन 132, क्योंकि ये यही पूरा है ना, तो 132 से डिवाइड करेंगे तो 132 − 88 44 आता है, तो 44 अपॉन 132, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो 22 आ जाएगा, फिर 66 आ जाएगा, फिर इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 33 हो जाएगा, अब इसको हम 11 से डिवाइड कर दे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 जो है वो अभी भी वाटर से भरा हुआ है ओवरहेड टैंक पे। ठीक है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली, यानी कि बाहर का जो पानी है उसको भर दिया सपोज, ठीक है, तो भी कितना अभी पानी और बचा हुआ है, तो 1/3 बचा हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि एक क्लास में 60 बॉयज है, अरे 60 स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो मान लिया बॉयज की संख्या बी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, डबल ऑफ बॉयज, तो 2B, ओके, अब टोटल 60 दिया था, अब बॉयज बी है यानी कि 1/3 है, तो 1/3 अपॉन 60 कितना हुआ,
60 को 3 से डिवाइड कर दो, 20 बचे हुए गर्ल्स 40, अब डबल भी हो रहे हैं यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कमल जो एक लड़का है वो 17th है टॉप से, यानी कि ये सपोज टॉप सांप सीढ़ी वाला गेम है, सांप सीढ़ी नहीं रैंक वाला, ठीक है। तो रैंक वाला जो गेम है, रैंक नापते ना फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट तक, तो वो जो है उसमें कमल जो है वो 17th पे आता है। सपोज ये कमल 17th पे आया तो यानी कि इसके ऊपर 16 लोग थे और इसके नीचे, यानी कि ये टोटल 17 हो गया ना, इसके नीचे भी बाकी के 60-17 थे, तो 9 गर्ल्स कमल के आगे हैं, यानी कि 17th पे ये है और कमल के आगे 9 गर्ल्स और हैं रैंक में, तो कितने बच्चे उसके पीछे ये पूछा है। तो ये कमल जब 17 है टॉप पे, यानी कि 9 गर्ल्स अहेड हैं जैसे कि दिया है, तो कमल कितने बॉयज कमल के बाद पहले हो गए, तो 17 -9 -1 -1 क्यों, क्योंकि 17th पे कमल का ही रैंक है, 9 गर्ल्स हैं उसके पीछे उसके आगे, तो 17 -9 करना है, और -1 क्यों, क्योंकि कमल का भी तो करना है ना, तो 17 -10 है ना, 7 बॉयज हो जाएगा फिर, तो 7 बॉयज है कमल के पीछे, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, 20 -7 -1 क्यों, क्योंकि 20 बॉयज ही थे टोटल, -7 बॉयज जो कमल के आगे हैं, ठीक है। और एक कमल खुद, यहाँ पे कमल को नहीं भूलना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो 20 -7 -1 20 -8 12 आता है, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ए और बी सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से ए चलना चालू होता है, यहाँ से बी चलना चालू होता है, तो अब बोल रहा है कि एक का स्पीड जो है वो 2 राउंड पर मिनट है, यानी कि पर आवर है, यानी कि 1 घंटे में ए 2 बार चल लेता है ना, यहाँ पे आ जाता है, एंड बी जो है वो 3 बार चल लेता है, यानी कि ये यहाँ पे 3 कर लेता है, 1, 2 एंड 3। तो ये बोल रहा है कि 8 से 9.5 के बीच में वो एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, यानी कि कितनी बार क्रॉस करेंगे इन द सेंस कितनी बार एक पॉइंट पे वो लोग आएंगे। तो ये पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू हाइट, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई दोनों की, तो ऐड करनी पड़ेगी ना, मिलने आ रहे हैं ना दोनों, बिछड़ने नहीं आ रहे, बिछड़ने आ रहे होते तो माइनस कर रहे होते रिलेटिव स्पीड में, है ना, दूर नहीं जा रहे एक दूसरे से, पास आ रहे हैं, तो 2+3 कर देंगे, स्पीड तो यहाँ पे यही है ना, किलोमीटर पर आवर नहीं है, तो 2+3 5 हो जाएगा, 5 राउंड, अब 1 घंटे में ये लोग 5 राउंड निकाल रहे हैं, तो 8 और 9:30 के बीच में 1.5 घंटा है, तो 1 घंटे में 5 घंटे निकाल रहे हैं, 1 घंटे में 5 राउंड निकाल रहे हैं, तो 1.5 घंटे में कितना मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, तो 5 × 1.5 7.5 हो जाएगा, अब 7.5 बार तो मिलेंगे नहीं, ना इंसान पूरे टाइम ही मिलता है, मिलना आता है तो पूरा में मिलता है ना, तो ये थोड़ी है कि है ना, तो पूरे में मिलता है ना, तो आधा में तो इंसान मिलेगा नहीं, इंटायरिटी में तो यूनिट होगा, तो इसको हम कट कर देंगे, यानी कि ये मिले नहीं है अभी, वो रास्ते में ही है, मतलब मिलने वाले हैं, ठीक है, तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डब्ल्यू कैन डू 25% ऑफ वर्क, ए 1/4 वर्क कर सकता है 10 दिन में, वाई 40% काम कर सकता है 40 दिन में, जेड 1/3 काम कर सकता है 13 दिन में, तो सबसे पहले कौन काम कंप्लीट करेगा। अब इसका निकाल लो ना 25%, 30 का 25% कितना होता है, तो 30 का 25% तो 30 × 100/25 कर लो, ओके, तो 100% वर्क निकालना है, तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो यहाँ पे 25 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 13 × 4 = 120, तो यानी कि W जो है वो 120 डेज में काम करेगा, ओके। अब बोल रहा है Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, यानी कि X भी 25% काम कर ले रहा है 10 डेज में, तो यानी कि टोटल काम कितना करेगा, है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ओके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में, तो 4/4 काम कितना करेगा पूरा काम 40 दिन में, यानी देखो यहाँ पे X का हमने मेंशन नहीं किया है, तो X विल बी वर्क अबाउट 40 डेज, ठीक है, क्योंकि ये 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो 4/4 काम कितना करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 हो गया। फिर बोल रहा है Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, तो Y को 40 डेज में काम कर रहा है ना, तो 40 × 100 कर लो, अपॉन 40 कर लो, तभी तो निकलेगा, तो 40 40 कैंसिल हो जाएगा, 100 डेज हो गया,
अब जेड जेड के डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, 1/3 काम कर रहा है 13 दिन में, तो 3/3 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, है ना, तो 3 13 to 3 39 हो गया। तो जेड को 39 डेज लगेंगे, एक्स को 40 डेज लगेंगे, डब्ल्यू को 120 डेज लगेंगे, वाई को 100 डेज लगेंगे। तो सबसे पहले काम कौन कर पाएगा, जेड, ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज जो मंथली इनकम है 5 लोगों की फैमिली की, 5 लोगों की मंथली इनकम एवरेज है 10,000 है, तो उनकी मंथली एवरेज इनकम क्या होगी जब सेम फैमिली के एक पर्सन की इनकम 1,20,000 बढ़ जाती है एक साल में, ठीक है, यानी कि दिया है एवरेज मंथली ऑफ 5 इज इक्वल टू 10,000, तो मंथली ऑफ टोटल इक्वल टू, 5 लोग हैं तो 10,000 कमाते हैं पर पर्सन एवरेज, 5 लोगों का कितना हो गया 50,000, 5 इंटू 10,000। फिर इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 120 लाख, 1,20,000, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि एक महीने में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो एक महीने में 10,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो यानी कि ये 50,000 पहले से था 5 लोगों का, अब इसमें 10,000 और जोड़ दो यानी कि 6,000, 6,500 हो गया, ये 50,000 था तो ये 10,000 जोड़ा तो 6,500 हो गया। तो अब एवरेज मंथली कितनी होगी, 5 ही लोग हैं ना, तो 60,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 12,000 हो गया, ठीक है, ओके, 12 5 से 60 होता है, 5 12 60 होता है, तो 60,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 12,000, तो ये ऑप्शन में निकल रहा है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 78, तो एक रेस है उसमें एक कॉम्पिटिटर को 6 एप्पल्स कलेक्ट करने हैं, स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं, एक कंपटीशन में ऐसे 6 एप्पल्स लाइन में रखे गए हैं, ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट है। अब ये कंडीशन दिया है कि कंपटीटर जो है ना वो 1 एप्पल एट ए टाइम, एक एप्पल को एक ही टाइम पे निकाल सकता है, लेके आ सकता है, मतलब ये लेके, ये सपोज यहाँ से गया, अब ये इसको लेके वापस लौटना होगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये इसको लेके वापस लौटेगा, फिर ये इस वापस जाएगा, वापस इसको लेकर लौटेगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बकेट में गिरा देगा फिर वापस जाएगा, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उसको, 5 मीटर यदि पहला एप्पल है बकेट से, यानी कि ये जो यहां से है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है पहले एप्पल की, ये 5 मीटर है, तो ऑल अदर एप्पल्स आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट, मतलब सपोज कोई गेम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, जो करना है जो मान सकते हो मान लो, तो उसमें 3 मीटर 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ऐसे करके किया गया है, तो एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, है ना, हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू रन। अब ये दिया है कवर एप्पल 1, पहले एप्पल को कवर करने ले 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 2 इंटू 5, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा 5, फिर ये वापस भी तो आएगा ना, तो 5 5 कवर कर रहा है, यानी कि 2 इंटू 5, तो ये हो गया 10 10 मीटर्स, ये पहला एप्पल कवर कर रहा है। दूसरे एप्पल को कवर करने के लिए 2 इंटू 5 बाय 3, 5 प्लस 3 क्यों, क्योंकि पहले एप्पल और दूसरे एप्पल के बीच में 3 का गैप है और ये 5 का गैप ऑलरेडी है, तो 5 प्लस 3 इंटू 2 क्यों, क्योंकि 5 प्लस 3 जाएगा तो वापस भी तो आएगा ना, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 8 16 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर 10 मीटर है ना, और इसमें प्लस 6 मीटर ही ऐड हुआ है ना, 16 मीटर, तो या तो हम कर सकते हैं कि 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 11, है ना, तो वो करें तो 22 मीटर आएगा, नहीं तो हम इसमें ऐड करते जाए 6 6 मीटर, तो यानी कि ये 16 मीटर है, प्लस 6 मीटर करोगे तो 22 आता है, 22 में 6 मीटर ऐड करोगे 28 आता है, 28 में 6 मीटर ऐड करोगे 34 आता है, 34 में 6 मीटर ऐड करोगे 40 आता है। अब 6 के 6 एप्पल कवर हो गए, 6 ही एप्पल कवर लेके आने थे ना, 6 कवर हो गए। अब डिस्टेंस कितने है? इसको ऐड कर दो 10 16 22 28 34 40। अब एक तो आप इसमें ना मैनुअली करे करे जाओ, मतलब ऐड करो ऐसे कम वापस उसका कंफर्म करो, या फिर इसको कर दो कि 10 जो है ना ये इसको इससे बांध दो, तो 50 हो गया, ये 16 को 34 से बांध दो ये भी 50 हो गया, और 22 को 28 से बांध दो तो ये भी 50 हो गया, तो 50 50 50 150, तो यही यहाँ पे भी किया है कि 10 40 को एक साथ रखा है 16 34 को, ठीक है, तो ये 150 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक आर्चरी है, राउंड आर्चरी टारगेट है, अपन टारगेट जो फेंकते हैं तो वो है, तो वो 1 मीटर डायमीटर है उसका, 4 स्कोरिंग रीजन्स है, ठीक है, तो हमने बना दिया 1 2 3 4, तो आउटवर्ड्स
तो पहले बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर येलो है, फिर व्हाइट है। तो रेडियस ऑफ द रेड बैंड, इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये 0.2 मीटर है। विड्थ ऑफ ऑल रिमेनिंग बैंड्स इज इक्वल, मतलब इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी, ऐसे दिखने में लग नहीं रही होगी लेकिन सेम ही है एज पर गिवन। तो आर्चर जो है वो यदि फेंकता है टारगेट की तरफ, ऑब्वियसली ट्राई करेगा कि इसी में लगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड रीजन में ही फॉल होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अब हमें यह पता है कि एरिया का जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया पता करना है ना इसका, ये पूरा पता करने के लिए, तभी तो पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो भी पॉसिबल होता है अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एरिया ऑफ रेड सर्कल, इसकी एरिया क्या होगी? तो 2 पाई आर स्क्वायर करना है, ठीक है, तो पाई इंटू 0.2 स्क्वायर है ना, तो 0.04 पाई कर देंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द आर्चरी बैंड इज 0.5 मीटर। ये क्यों? क्योंकि ये डायमीटर दिया था ना 1 मीटर का, तो ये यहां से ये जो पूरा था ना ये इसका बोल रहा है, तो ये 0.5 है, ये पूरा जो था ये 1 था। ओके, तो ये 0.5 है, अब इससे हमें 0.5 मीटर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 0.054 पाई अपॉन 0.5 स्क्वायर पाई। ये क्यों? क्योंकि इसका भी तो पाई आर स्क्वायर करना है, इसका भी तो एरिया हम निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, तो यानी कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई गया। 0.04 अपॉन 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, तो 0.04 अपॉन 0.25। अब इसको बोलोगे इसको कैसे करें, डेसिमल का डिवीजन कैसे करें? तो अब इसका सिंपल सा फंडा है, इसके 0 0 जोड़ते जाओ ऐसे, ठीक है, तो 0 0 जोड़ते जाओगे तो 24 सपोज, ठीक है, तो 25 × 1 40 है सपोज, ठीक है, 400 है, तो सपोज 40 है। ओके, तो 1 ही टाइम जाएगा, तो 25 आएगा, बचेगा 15, उसके आगे 0 कर दो, तो 25 × 6 है ना, तो 10 और 6 16, तो 0.616 करना है, क्योंकि हमने डेसिमल था नहीं, था यहाँ पे हमने जानबूझ के नहीं लिया 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 0.6516 आंसर हो जाएगा, आंसर है सी, ये हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ए पर्सन ऑल अलाउज अ 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल मेक्स 10% गेन, मतलब 10% वो डिस्काउंट पे देता है तभी वो 10% कमा लेता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आइटम की? तो मार्क प्राइस है 770, डिस्काउंट है 10%, तो एमपी अपॉन सीपी करेंगे, है ना, एमपी अपॉन सीपी फाइंड आउट करने के लिए, 10% फायदा भी कमा रहा है, तो 10% मतलब वो तभी भी फायदा कमा रहा है जब वो 10% लॉस में भी दे रहा है, मतलब कम करके दे रहा है, तो ये 100 + 10% तो 100 मान लो ना आइटम की कॉस्ट, तो 100 + 10 हो गया अपॉन 100 - 10, क्योंकि 10 - 10% का डिस्काउंट है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये हो गया 110/90, ये 0 0 कट कर दो तो 11/9 आता है। लेकिन मार्क प्राइस जो है वो 770 है, यानी कि ये 11x जो है ना ये मार्क प्राइस है, तभी तो फायदा कमा रहा है ना, देखे है ना, डिस्काउंट देखे, तो मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट देगा, तो 770 जो है वो 11x हो गया ये वाला, ठीक है। तो एक्स क्या होगा? डिवाइड कर दो 770 को 11 से, तो 70 हो गया, 11 7 77 और 0 वाला तो 70 हो गया। तो अब इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 9x, यानी कि ये तो 9 × 70, 9 7 63, 630 रुपीज ओनली, तो 630 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस ईयर, सो थैंक यू गाइस।